घर में नहीं फेंकते हो। हमारा क्या है, हम क्या करते हैं? हमारी गलती ये है कि हम बाइबल तो नहीं पढ़ते और पढ़ना भी नहीं चाहते प्रियो, क्योंकि वो मेरा शास्त्र नहीं है प्रियो, वो मेरा शास्त्र नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। तो प्रियो ये दिनों में भी आप दिखोगे कि संसार का क्या असर होने वाला है। प्रियो दिन बहुत ही बुरे है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन बहुत ही बुरे प्रियो, हमें बुरे दिन का सामना करना होगा। यदि हम अपने पापों से मन नहीं फिराए प्रियो, मन नहीं फिराते, अपने पाप को नहीं मानते हैं, तो प्रियो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा प्रियो। सब मेरे प्यारे भाई प्रियो, ये झूठ नहीं है प्रियो, ये मैंने नहीं कहा प्रियो, ये परमेश्वर कहता है प्रियो, ये परमेश्वर का कहना है प्रियो। तो प्रियो हम सभी को अपने पापों से मन को फिराना है, क्योंकि परमेश्वर के से मन फिराओ, अशुद्धता करो और परमेश्वर के पास आओ। तो मेरे प्यारे भाई प्रियो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, परमेश्वर की ओर से ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचिए, सोच के देखिए, गंभीरता से सोच के देखिए, क्योंकि ये परमेश्वर का सूचना है प्रियो, परमेश्वर का सूचना है, परमेश्वर से आया हुआ बातें है, कोई मनुष्य ने रचा हुआ कोई कहानी नहीं है प्रियो। ये प्रियो हमारे भविष्य है, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है प्रियो। या तो हम नर्क में चले जाएंगे या तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे प्रियो। लेकिन प्रियो दुर्भाग्य की बात यह है कि संसार में जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा नर्क में जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे प्रियो, अपने पापों को नहीं मान रहे प्रियो, अपने गुनाह को स्वीकार नहीं कर रहे प्रियो, नहीं मान रहे कि मैंने पाप किया है, मैं गुनहगार हूँ, ये नहीं मान रहे प्रियो। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम पाप में ही मर जाएंगे, और शरीर छोड़ने के पश्चात ही हम अपने आत्मा को मिल से पाएंगे प्रियो। वचन को पढ़ के देखिए तभी पता होगा प्रियो। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संदेश को आगे बढ़ाने से पहले आपके मध्य में हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हमारे भाई आपके मध्य में परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। सच्ची सरकार